पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से पीओके में 20 जगहों पर रडार लगाए। चीन मसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। कानपुर मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी की भूमिका पर जांच के आदेश दिए गए। यूपी के भदोही में पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को मार गिराया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के आखिर तक होंगी। हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 75% तक नौकरियां, राज्य के लोगों वाले प्रारूप को मंजूरी मिली। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ आज पंजाब में अकाली दल प्रदर्शन करेगी। पंजाब में कोरोना के नाम पर इंश्योरेंस घोटाला सामने आया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज 1,00,000 के पार पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 जगहों पर आतंकियों ने बम फेंके। कुलगांव में एसएसबी के जवान ने गार्ड कमांडर की हत्या कर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दंतेवाड़ा में आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर 4 साल के लिए कोच रखे जाएंगे। सुशांत मौत मामले में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे में 30 से 35 सवाल पूछे गए।